देख रहे हैं जगत न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ तनु शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। झारखंड के गोड्डा जिला को भागलपुर से जोड़ने वाले अति महत्वपूर्ण मार्ग पर NH 333A अंतर्गत पंजवारा में चीन नदी पर निर्माणाधीन पुल के समानांतर बनाए गए डायवर्जन इस मौसम की पहली बरसात भी नहीं झेल पाए एवं रविवार रात हुई मूसलाधार बारिश के बाद सोमवार सुबह नदी में उतरे पानी के तेज बहाव में ध्वस्त हो गई। इस डायवर्जन ध्वस्त हो जाने से गोड्डा एवं पंजवारा का सीधा सड़क संपर्क टूट गया। झारखंड के दुमका एवं गोड्डा जिला में रविवार की रात हुई मूसलाधार बरसात का पानी रविवार सुबह पंजवारा चीर नदी में उतर आया। देखते ही देखते पानी की रफ्तार बढ़ गई एवं पानी डायवर्जन के ऊपर से बहने लगी। पानी का दबाव अधिक होने की वजह से डायवर्जन के पश्चिमी छोर की तरफ से डायवर्जन टूटने लगी एवं एक के बाद एक यूम पाइप बहने लगे। देखते ही देखते डायवर्जन का एक बड़ा हिस्सा नदी में समा गया एवं इस मार्ग से सड़क संपर्क पूरी तरह से समाप्त हो गया। डायवर्जन के दोनों तरफ बड़ी संख्या में गाड़ियां खड़ी रही। गाड़ियों के पंजवारा से विक्रमपुर के रास्ते मराठीकर खतनई ग्रामीण पथ से झारखंड की ओर भेजा गया। हालांकि इस मार्ग में भी बड़े बड़े गड्ढे हैं जिससे होकर वाहनों के परिचालन में असुविधा होती है, लेकिन क्षेत्र के लोगों को आवाजाही का एकमात्र विकल्प अभी यही है।